जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। बहुत बार बहुत सारे उपाय ऐसे होते हैं जिनको करने मात्र से हमारे जीवन में मिरेकल्स हो जाते हैं। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं कि हमें बस 24 घंटे में असर दिखा, हमें इतने दिन में असर दिख गया। और वो लोग जो पूरे मन से, पूरी अपनी श्रद्धा भाव से किसी कार्य को करते हैं, उन्हें ठाकुर जी कभी भी निराश नहीं करते हैं। आप जब सच्चे मन से किसी चीज़ को पाने के लिए प्रयास करते हैं ना, यकीन मानिए ये डायलॉग नहीं है, पूरी कायनात उस चीज़ को आपको देने के लिए तैयारी कर लेती है और आपको वो चीज़ थोड़ी देरी में सही लेकिन मिलती ज़रूर है। तो चलिए आज आपको एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय बता देती हूँ जो करने मात्र से आपके जीवन में परिवर्तन आता ही आता है। हम भौतिक जीवन में जी रहे हैं जहाँ पर हर एक चीज़ पेड है, हर एक चीज़ की कीमत है, जज्बातों की भी कीमत है और इंसानों की भी कीमत है। यहाँ पर किसी के साथ दो वक्त बिताने के लिए भी पैसा होना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ हैं ये प्रूफ करने के लिए आपके पास आईफोन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बड़ी गाड़ी है तो लोग आपके सामने हंसकर मुस्कुराकर हेलो नमस्ते कैसे हैं ज़रूर पूछेंगे। और अगर आप गरीब हैं या आपके पास उतना नहीं है तो लोग आपको देखकर भी इग्नोर कर जाएंगे। कहने में बहुत बुरा लगता है लेकिन ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि मैंने कहा ना भौतिक जीवन है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, इन चीज़ों पर कार्य नहीं करेंगे तो शायद हमें भी अपने जीवन को जीने में बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। अक्सर हम पैसे को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। मैं उन लोगों को ज़रूर ये बार बार समझाती हूँ जो बहुत ज़्यादा कर्जा लेते हैं कि कर्ज़े को तब लीजिए जब आपको लगे कि आप उस कर्ज़े को जल्द से जल्द चुका देंगे। उस कर्जे को अपने जीवन का पार्ट मत बनाइए वरना आपकी आती हुई लक्ष्मी भी रुक जाती है, रूठ कर वापस चली जाती है कि तुझे तो दूसरों के पैसों पर रहने की आदत हो गई है, मैं क्या करूं तेरे पास रहकर। ये काम मत करिए। पर अगर आपके ऊपर कर्जा है और आप कर्जे से बहुत परेशान हैं और आपके जीवन में धन के कोई भी स्रोत नहीं खुल रहे हैं, काम करते हैं लेकिन उसके मुताबिक आपको अर्न नहीं होता, आपके पास पैसा है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं होता, आपका पैसा कल को बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डर आपको बहुत सताता है, कोई प्रॉपर्टी लेनी है वो गलत फैसला ना हो जाए ये आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, कोई भी कार्य के अंदर पैसा लगाना, किसी भी चीज़ में पैसे को इन्वेस्ट करना कहीं आपको धन हानि ना दे दे ये भी आपके लिए एक गंभीर सोचने का विषय है। इतनी सारी बातें और समाधान सिर्फ एक, माँ लक्ष्मी की जब कृपा होती है, कुबेर जी का जब आशीर्वाद होता है और श्री हरि विष्णु जी का जब साथ होता है तो व्यक्ति कभी भी धन को गलत तरीके से इन्वेस्ट नहीं करता। उसकी बुद्धि जब काम करती है तो उसका धन हमेशा सही जगह पर जाता है। इस चीज़ में प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा जिसे होशियार माना जाता था वो बनिए होते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया है और बहुत सोच समझ कर चीज़ें करता है। फिर भी गलतियाँ होती हैं, त्रुटि होती है क्योंकि हम इंसान हैं। पर आपके साथ कोई गलती ना हो, आपके राहु केतु या कोई और अरिष्ट ग्रह आपका कुछ ना बिगाड़ पाए, उसके लिए आपके ऊपर देवी देवताओं का सदा सर्वदा हाथ बना रहे, इसके लिए मैं आपको एक सरल सा उपाय बताने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले ये ज़रूर बताऊँगी मेरी जान कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। मेरे उपायों को थोड़ा सा गौर से, गंभीरता से समझा करिए। शांत माहौल में बैठा करिए, कान में लीड लगाया करिए, कॉपी पेन लिया कीजिए और उस पर लिखा कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कॉपी पेन से लिखना इंसान की सबसे अच्छी हैबिट होती है और हम जब लिखते हैं ना वो चीज़ सीधा हमारे ब्रेन में
हो जाती है और हमें हमेशा उस चीज़ का संकेत मिलता रहता है। हम आजकल क्या करते हैं, टाइप करते हैं फ़ोन पे, नोटबुक में डाल दिया, टाइप करा, किसी को व्हाट्सअप कर दिया। ना 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 ना, वो नहीं चाहिए। ये प्रेशर चाहिए पेन का। ये प्रेशर आएगा तो माइंड खुलेगा, और माइंड खुलेगा तो और भी दो चीज़ें आपकी अच्छी से आप मैनेज कर पाओगे। तो उठाया कॉपी पेन, लिखें आज का डेट बाई डेज उपाय लिख लिया कीजिए। 16 तारीख ये उपाय, 17 तारीख ये उपाय, तो देखिएगा आपके पास एक अच्छी खासी कॉपी बन जाएगी उपायों की। और जब बन जाए तो भाई मुझे भी दे देना, मैं उसका प्रिंट करवा के आप ही लोगों के काम में ला दूँगी। तो चलिए जी, आपको क्या करना है बता देती हूँ। आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक, कोई भी सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का या चांदी का, जैसे आपकी सामर्थ है वैसा। कपूर की टिक्की, और साथ में चाहिए भोज पत्र। और एक और चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है शहद। अब क्या करना है, आपको नहा धो के, तैयार हो के, लाल वस्त्र पहनकर आपको पूरब की तरफ मुख कर एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। 11 बार आपको महालक्ष्मी जी को आमंत्रण देने के लिए उनके मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपको 11 बार श्री हरि विष्णु जी के मंत्र का जाप करना है। कुछ समझना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मेरे लिए तो ये सारे मंत्रों का एक ऐसा मंत्र है जो सब चीज़ों को सिद्ध कर देता है, तो आप इसी को बोल लीजिएगा। उसके बाद में आपको वहाँ पर बैठ जाना है। कोई आसन लगाइएगा जिस पर आप बैठिएगा, आपको आराम से बैठ जाना है। सामने भोज पत्र रखिएगा, उसके ऊपर आपको रोली से एक नंबर लिखना है, और नंबर क्या है, 6363। उसके बाद आपको उसे रोल करके शहद की डिब्बी में डाल देना है। उसे अच्छी से कलावे से बांध दीजिएगा, बहुत अच्छी से बांध दीजिएगा, बिल्कुल टाइट, कोई चाहकर भी कभी ना खोल पाए ऐसे। और एक लाल कपड़े में बांधकर उसे आप अपने मंदिर में रख दीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, एक थाली लीजिएगा, उस थाली के ऊपर एक दिया रखिएगा, और ये दिया मिट्टी का होगा। इस मिट्टी के दिए के अंदर आप थोड़ा सा रोली का छिड़काव कर देंगे, थोड़ा सा चावल डाल देंगे, और फिर वो सिक्का उसमें बीचम बीच रख देंगे। सिक्के के ऊपर भी एक टीका लगा दीजिएगा रोली का, और उसके बाद कपूर की टिक्की लीजिएगा, इसके ऊपर रखिएगा, और महालक्ष्मी की आरती करिएगा। महालक्ष्मी की आरती आपको किसी भी बुक में मिलेगी आरती वाली में, नहीं तो आपके फ़ोन में होती है, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। महालक्ष्मी की आरती करी, उसके बाद कुछ भी मीठा, चीनी हो गई, मिश्री हो गई, गुड़ हो गया, जो घर में अवेलेबल है, हलवा बना सकते हैं हलवा बना लीजिए, खीर बना सकते हैं खीर बना लीजिए, कुछ भी जो आपका मन करे वो आप बनाकर भोग में प्रसाद चढ़ाकर कन्याओं को या अपने घर में आसपास जो भी आपके गरीब लोग हों उनको आप बांट दीजिए। 11 दिन नियमित रूप से आपको ये काम करना है। शहद की शीशी को अब आप नहीं छेड़ेंगे, वो अपने मंदिर में रख दी, उसका आपको दोबारा कोई प्रयोग नहीं करना है। थाली आप रोज धोएंगे, उस पर नया स्वास्तिक बनाएंगे, रोली चावल लगाएंगे, और उसके बाद में उसके ऊपर दिया, वही पुराना दिया, अब ना आपको उसके अंदर रोली छिड़काव करनी है, ना चावल डालने हैं, ना आपको दोबारा सिक्का रखना है, वही सिक्का वही दीपक आपको एक नई प्लेट पर रखना है, उसके अंदर कपूर दोबारा डालना है, और रोजाना आरती करनी है। नो कन्फ्यूज़न, समझ में आ गया, दीपक वही रहेगा, धुलेगा नहीं, साफ़ नहीं होगा, जो पुरानी बत्ती उसमें बची होगी वो निकाल कर आप बाहर डाल देंगे, और बाद में एक साथ एकत्रित करके आप उसको जलाकर किसी पौधे के जड़ में डालेंगे, लेकिन आप दीपक को धोएंगे नहीं, उसमें से सिक्का आप निकालेंगे नहीं। रोजाना 11 दिन तक यही सिक्का उसी दिए में रखा रहेगा, इसी के ऊपर कपूर जलेगा, और इसे आप पूजन करने के बाद वापस मंदिर के अंदर रख देंगे। जो प्लेट है जिस पर आप रखकर आरती कर रहे हैं, उस प्लेट को आप रोज निकाल लेंगे, धो लेंगे, नया स्वास्तिक बना लेंगे, और पुनः आप दीपक रख देंगे। मैंने आपको 4 बार 5 बार समझा दिया है, अब बिल्कुल गलती त्रुटि मत करिएगा, प्लीज़ मत करिएगा। अब आपको क्या करना है, 11 दिन बाद अगर कोई इंसिडेंट ऐसा होता है कि आपका शुक्रवार पड़ जाता है तो बहुत बेस्ट है, नहीं पड़े तो दिन कोई भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब दिन भगवान के हैं और सारे दिन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
आपको क्या करना है, इस सिक्के को शहद की जो बोतल थी जो आपने लाल कपड़े में बांधी थी उसके साथ रखकर अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना है। ये जो दिया है इसे आप ले जाकर किसी पेड़ के नीचे, अगर हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। सिक्के को बांधिएगा मत, सिक्के को आप किसी भी चीज़ में लपेटिएगा मत, बस सिक्का रख दीजिएगा अपनी तिजोरी में और उसके ऊपर शहद की बोतल रख दीजिएगा। करके देखिए, 3 महीने में गारंटेड आपको इसका इफ़ेक्ट दिखाई देगा। कहीं ना कहीं से आय के स्रोत खुलेंगे, कहीं ना कहीं से कर्जे ख़त्म होने के रास्ते निकलेंगे, कहीं ना कहीं से माँ लक्ष्मी की आपको ज़रूर आशीर्वाद की प्राप्ति होगी, कहीं ना कहीं से आपके घर में कुबेर जी का सदा सर्वदा वास रहेगा, कहीं ना कहीं मेरे ठाकुर जी आपके ऊपर श्री जी के साथ अपने प्यार का ज़रूर आशीर्वाद बरसाएंगे। बस इतना सा उपाय, इतना सा कार्य करके देखिएगा और इससे आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए ना मेरी जान, मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक काम ज़रूर करिएगा, अगर आपके जीवन में परिवर्तन आए तो प्लीज़ लोगों का भी भला करिएगा। ये जो आप वीडियोस देखते हैं इन्हें आगे भी शेयर करिएगा ताकि लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकें। मैं फिर आती हूँ ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए लव यू अलॉट, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।